सबको शीतल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की पायसा। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मूंग दाल 250 ग्राम्स लिया है, वो भिगो के रखा हुआ। गुड़ 250 ग्राम्स, ये भी नारियल भी 250 ग्राम्स, और 3 इलायची लिया है और गोडम भी 10 तक लिया है। आइए पहले इस गुड़ को ना हम लोग थोड़ा सा इसका पानी बनाएंगे गुड़ का। और एक बर्तन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के मूंग दाल को उबालने के लिए रख देती हूँ। इसको डालेंगे, मूंग दाल को डाल के अच्छे से पकाएंगे इसको। पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मैंने कम डाला है, थोड़ा बाद में डाल दूँगी। अभी देखिए मूंग दाल अच्छे से पक चुका है, अभी गुड़ का पानी डालना है हमें इसमें। गुड़ का पानी ऐड कर दिया, अभी इसमें उबल आने देते हैं। तब तक मैं ये नारियल, इतना नारियल है उसको ग्राइंड करूँगी। अभी देखिए नारियल का दूध रेडी है, अभी इसको ऐड करते हैं। आप चाहे तो इसका दूध निकाल के डाल सकते हैं, वो थोड़ा पतला हो जाएगा पायसा, इसलिए मैं ऐसे ही डाल दूँगी अभी। स्पून घी लिया, इसमें पहले गोडम भी डालना है हमें। गोडम भी कैश्योर किशमिश डाल दूंगी, दोनों को साथ में मिलाना है अच्छे से। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, मतलब एक आधा स्पून। थोड़ा सा नमक और कूटा हुआ इलायची, ये अभी अच्छे से उबल गया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी अभी। अच्छा से उबला आ गए इसमें। अभी गैस बंद करना है हमें। अभी देखिए हमारा कीरू रेडी है, इसको अब मैं सर्व करूंगी। देखिए मूंग दाल का पायसा रेडी है, ये हेल्थी है, सेहत के लिए अच्छा भी है। प्लीज़ ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए। ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।